ये कहानी कैथरीन की है। उस समय वो अपने घर पे जा रही थी। जब वो अपने बिल्डिंग में घुसने वाली थी तब उसने सड़क पे एक अजीब सी औरत को नोटिस किया। वो औरत दिखने में बहुत ज्यादा ही पजामी लग रही थी। कैथरीन धीरे से उस बिल्डिंग के अंदर चली गई, लेकिन उसने गेट से झांक के एक बार उस औरत की तरफ देखा। सरप्राइजिंगली वो औरत उसके काफी पास आ गई थी, लेकिन वो अभी भी उसी पोजीशन में थी। कैथरीन अपने अपार्टमेंट में चली गई और उसने विंडो के पास जाके उस औरत को देखने की कोशिश की, और तब उसने देखा वो औरत उसके विंडो के ही बाहर खड़ी थी। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन तभी उसने सोचा कि ये पजामी सी औरत उसका क्या ही बिगाड़ लेगी। तो उसने नॉर्मली विंडो बंद की और वो जाके सो गई। करीब आधी रात को उसकी नींद खुली और तब उसने देखा वो औरत उसके रूम में थी और उसके मुंह के एकदम पास थी। तब कैथरीन को ये रियलाइज हुआ कि जब भी वो उस औरत को नहीं देखती या फिर अपनी आंखें बंद करती है तब वो औरत उसके पास आ रही है। लेकिन कैथरीन को उस समय इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि गलती से उसकी आंखें बंद हो जाती है।